वेलकम बैक, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। आइए देखते हैं क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम बैक्टीरिया के क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। रेंजेस, इसकी साइज भी क्या हो जाएगा, रेंजेस यानी मोस्टली जो बैक्टीरिया होंगी उनकी साइज क्या होती है, कितनी होगी, 0.5 टू 2.0 माइक्रोमिलीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर होगी कितना, 10.5 से कितना हो गया 2.0 तक, ठीक है, माइक्रोमिलीमीटर तक, ये इतना इसके रेंजेस होगा। सिंगल ड्रॉप वाटर, एक सिंगल ड्रॉप वाटर में कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितने हो जाएंगे, 5 × 10^6, यानी 5×10^6 बैक्टीरिया कितने होंगे, एक ड्रॉप वाटर में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और हमेशा कंपटीशन में पूछता है कि एक ड्रॉप वाटर में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कितने हो जाएंगे, 5×10^6। ओके, 1 ग्राम टॉप सॉइल, 1 ग्राम टॉप सॉइल में कितने बैक्टीरिया होते हैं, 1×10^3 से 1×10^9, यानी इतने अगर आप, यानी 10 के आगे आप इतने जीरो लगाएंगे तो समझ जाइएगा कितने बैक्टीरिया हैं। आप काउंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि 1 ग्राम टॉप सॉइल, यानी सॉइल से आप 1 ग्राम लीजिए ऊपर की, यानी अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर की लेयर होती है वहां से आप 1 ग्राम टॉप सॉइल लेंगे तो उसका अगर आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने होंगे, ठीक है। कोकस बैक्टीरिया रेंजेस, जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं उसकी रेंजेस लगभग कितनी होती है, 0.5 to 2.5 माइक्रोमिलीमीटर होती है, कितनी होती है, 0.5 to 2.5 माइक्रोमिलीमीटर होती है। रॉड सेल बैक्टीरिया कितनी होगी, 3 to 15 माइक्रोमिलीमीटर विड्थ में होती है। ओके, नेक्स्ट हो गया साइज के बाद आ जा रहा है शेप वाला। शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ द शेप, ठीक है, शेप के आधार पर यानी आकार के, यानी क्या होते हैं बैक्टीरिया, वेरिएशन होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के, जैसे बैसिलस पहला हो जाएगा, बैसिलस टाइप का हो जाएगा, और इसको रॉड शेप भी बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा कोकस, ठीक है, कोकस, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा स्पाइरल, यानी नेक्स्ट स्पाइरल, और हेलिकल शेप कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें कॉमा शेप भी बैक्टीरिया आ जाएगा जिसमें बैक्टीरियो कोलेरी हो जाएगा, ठीक है। ये सब इस तरीके से आकार होगा। इस वजह से हम सबसे पहले क्या डिस्कशन करते हैं, बैसिलस। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप पे सबसे पहला बैसिलस और रॉड शेप, यानी कोई बैक्टीरिया बेलना आकार में पाई जा रही है तो इसको हम बैसिलस बोलेंगे। ओके, इसमें आ जाएगा मोनो बैसिलस। अगर कोई एक बैसिलस सेल होगी और बेलना आकार में होगी, सिंगल सिंगल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो बैसिलस बोलेंगे। और दो दो के पेयर में हो जाती है, अगर जोड़े में हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लो बैसिलस बोलेंगे। दो दो क्या हो जा रही है, पेयरिंग हो जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो बैसिलस बोलेंगे। ओके, अगला स्ट्रिप्टो बैसिलस। अगर यही बैसिलस सेल सभी क्या हो जाती है, चेन बना लेती है, ठीक है, क्या बनाएंगे, चेन, ऐसे जुड़ करके एक दूसरे से चेन बना लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्टो बैसिलस बोलेंगे। तो ये था बैसिलस। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा कोकस आर वार स्पेरिकल से बैक्टीरिया। कोकस आर वार क्या बोलेंगे, स्पेरिकल से बैक्टीरिया। इसमें कोकस क्या जाता है, यानी कोई बैक्टीरिया अगर ओवल शेप पाई जा रही है, किसी ओवल शेप गोलाकार में, तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस, ठीक है। इस बेसिस पे अगर कोकस बैक्टीरिया एक सिंगल फॉर्म में पाई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो कोकस। ये इस तरीके से मोनो कोकस हो जाएगा। दो दो के पेयर में होगी, यानी दो इस तरीके से जोड़ा बना ले लेंगे, ठीक है, स्पेरिकल हो और दो जोड़ा बना लेगी उसको, यानी पेयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो कोकस। नेक्स्ट स्ट्रिप्टो कोकाई, ठीक है, स्ट्रिप्टो कोकाई, प्लूरल में कोकाई और सिंगुलर में कोकस बोला जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यही सभी स्पेरिकल से बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और चेन बना लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्टो कोकाई बोलेंगे। ओके, इतना क्लियर है सबका, स्ट्रिप्टो कोकाई बोलेंगे। नेक्स्ट आगे हो जाएगा, चार एक साथ अगर कोकस बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम
टेट्राकोकाई बोलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई कब होगा, जब ग्रुप ऑफ स्फेरिकल सेल बैक्टीरिया इकट्ठा होंगे किसी एक स्थान पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया, तो उसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई बोलेंगे। इस तरीके से फिगर बना हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, सरसिनी, सरसिनी क्या होता है, प्लेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया इन थ्री प्लेन्स। अगर कोकस बैक्टीरिया थ्री प्लेन्स में होंगे, से एक दो और तीसरा साइड में दिख रहा है, थ्री प्लेन्स में होंगे, तो उसको हम सरसिनी बोलेंगे या सरसिना बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरा नंबर पर, पहला हो जाएगा बैसिलस, दूसरा कोकस और तीसरा हो जाएगा स्पाइरल शेप, या फिर क्या हो जाएगा कॉमा शेप भी आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया स्पाइरल शेप यानी कह सकते हो मुड़ा हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऐसे इस तरीके से स्पाइरल, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, इसमें स्पाइरुलम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा इसी में यदि कोई बैक्टीरिया कॉमा शेप में है, वो भी तो मुड़ा हुआ है यानी स्पाइरल में है, लेकिन कॉमा के शेप के आकार का दिखाई देता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, वाइब्रियो कोलेरी में बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कॉमा शेप बैक्टीरिया का, उसको भी हम बोलेंगे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ओके, इसमें आ जाएगा वाइब्रियो कोलेरी यानी कॉलरा नामक डिजीज फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है, वाइब्रियो कोलेरी उसको बोलते हैं, वो इसमें आ जाएगा स्पाइरल शेप। ओके, इस तरीके से आज का जो बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी है समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, अगला वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।